हेलो गाइस, वेलकम टू स्टे स्मार्ट। तो गाइस, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है जो लोग अपना एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जो लोग अपना एक बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या फिर अपना ब्रांड वेबसाइट, या फिर अपना कोई स्टोर बनाना चाहते हैं, या अपनी कोई सर्विस ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, या फिर अपना खुद का पोर्टफोलियो, या फिर यूट्यूब के लिए अपना एक प्रोफेशनल वेबसाइट अगर बनाना चाहते हैं, और जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो उस तरह का वेबसाइट और उससे भी अच्छे अच्छे वेबसाइट किस तरह से आप फ्री में बना सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना एक प्रोफेशनल ब्रांड वेबसाइट बना सकते हो अपनी सर्विस के लिए। और अगर आप किसी भी तरह का वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ वो आपको शायद ही यूट्यूब पे मिलेगा, मुझे तो नहीं मिला। इस मेथड को मैंने सर्च किया था वीडियो बनाने से पहले। तो इस वीडियो के खत्म होने तक आप सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर कैसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो फ्री में आप सीख जाओगे। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं, तो अब मैं उसे ओपन कर लेता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हो, जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया है, यहां पर आपके सामने साइन इन के ऑप्शंस आ गए हैं। आप चाहो तो गूगल से भी साइन इन कर सकते हो, फेसबुक या फिर लिंक्डइन। और आप यहां पर देख सकते हो साइन इन, क्रिएट योर बिजनेस वेबसाइट, और यहां पर आप देख सकते हो क्रिएट योर बिजनेस वेबसाइट यूजिंग FB पेज। यानी कि अगर आपका कोई FB पे पेज है, ब्रांड पेज है, तो आप उसकी मदद से यहां पर अपना साइट बना सकते हो। लेकिन हम यहां पर क्रिएट योर बिजनेस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम यहां पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आता है। तो आप यहां पर अपनी सारी डिटेल फिल कर दीजिए। तो चलिए मैं अपनी सारी डिटेल यहां पर से फिल कर लेता हूं। और सारी डिटेल्स फिल कर देने के बाद आपको सिंपली यहां पर साइन अप पर क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही साइन अप पर क्लिक करते हैं तो यहां पर यह बोल रहा है आपको अपना नंबर कंफर्मेशन करने के लिए। आपने जो अभी नंबर यहां पर टाइप किया होगा उस पर आपको एक OTP आएगी, तो आपको वो यहां पर एंटर करना है। तो मैं जल्द से यहां पर OTP एंटर कर देता हूं। जैसे ही आप OTP यहां पर सबमिट कर देते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो सेट अप ए न्यू बिजनेस, यानी कि यहां पर आपका वेबसाइट बनने वाला है। तो आप अपने वेबसाइट से रिलेटेड यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपका वेबसाइट किस बारे, मतलब आपके वेबसाइट का नाम क्या है, आपके बिजनेस का नेम क्या है, आप यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो। फिलहाल तो मेरा कोई बिजनेस है नहीं, तो मैं यहां पर मेरे यूट्यूब चैनल का नाम दे देता हूं ताकि मैं उसी से रिलेटेड ये वेबसाइट बना सकूं। चलिए मैं यहां पर से लिख लेता हूं स्टे स्मार्ट, ये हो गया मेरा बिजनेस नेम। और यहां पर आप देख सकते हो नीचे कैटेगरी, तो यहां पर से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मतलब आपका वेबसाइट किस कैटेगरी में आता है। तो मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेता हूँ वेबसाइट टूल्स। हाँ, मैं यहाँ पर से सेलेक्ट करता हूँ वेबसाइट एंड टूल्स, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो वेबसाइट टूल्स मैंने सेलेक्ट किया है। आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप वहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो सिटी, तो यहाँ पर से आपको अपना लोकेशन सेट करना है। तो आप जिस भी लोकेशन के हो, अगर आप लोकेशन सेट करना चाहते हो तो आप यहां पर से अपना लोकेशन भी सेट कर सकते हो। और उसके बाद यहां पर नीचे आप देख सकते हो वेबसाइट नेम, तो अब आपको यहां पर अपने वेबसाइट का नेम देना है। आपका जो भी वेबसाइट है उसका नेम दे दीजिए, ये वेबसाइट नेम आपका URL बनेगा। आप यहां पर देख सकते हो वेबसाइट नेम डॉट वेबसाइट डॉट को डॉट इन, यानी कि ये आपका वेबसाइट का एड्रेस भी होगा। तो आपको यहां पर से अपने वेबसाइट का एड्रेस देना है। बिजनेस नेम यहाँ पर तो आपके वेबसाइट का नेम हो गया है, यहाँ पर वेबसाइट नेम यानी कि आपके आपके वेबसाइट का एड्रेस। तो मैं यहाँ पर से ट्राई करता हूँ स्टे स्मार्ट अवेलेबल है या नहीं, मैं देखता हूँ स्टे स्मार्ट YT यानी कि YouTube। अब मैं यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ,
और आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मैंने प्रोसीड पर क्लिक किया तो वो नेम अवेलेबल था स्टे स्मार्ट YT, तो ये आगे बढ़ चुका है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो एड्रेस, अगर आप अपने वेबसाइट आपका बिजनेस आपका जो भी है उसका एड्रेस अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर से आप एड्रेस भी दे सकते हो, या अगर नहीं तो प्रोसीड पर क्लिक करके और सॉरी ये एड्रेस मांग रहा है तो आपको एड्रेस यहाँ पर से देना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी एक एड्रेस यहाँ पर से दे देता हूँ। यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देने के बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मैंने प्रोसीड पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये आपसे आपका लोकेशन मांग रहा है, तो आप यहाँ पर से अपना लोकेशन सेट कर सकते हो। ये लोकेशन जो है आपके वेबसाइट के ऊपर होगा। आप अगर कोई सर्विस सेल करते हो या आपकी कोई शॉप है जिससे रिलेटेड आप ये वेबसाइट बना रहे हो, तो जब कोई आपके वेबसाइट पर आकर आपकी शॉप तक आना चाहेगा, आपके प्रोडक्ट तक आना चाहेगा, आपका कोई स्टोर हो तो वहाँ तक जब वो आना चाहेगा तो वहाँ पर एक लोकेशन होगा, उस पर क्लिक करके वो सीधा आपके दुकान तक या फिर आपके स्टोर आपका बिजनेस जो भी है वहाँ तक वो आ सकता है। तो यहाँ पर से आप अपना एड्रेस दे दीजिए। मैं सिंपली इसी को ऐसे ही रखता हूँ और मैं यहाँ पर से प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये बोल रहा है योर वेबसाइट इज लाइव ऑन द इंटरनेट, यानी कि आपका वेबसाइट जो है वो बन चुका है। तो अब आप यहाँ पर दो ऑप्शन है, आई विल चेक लेटर, शो माई वेबसाइट। तो चलिए शो माई वेबसाइट पर क्लिक करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा वेबसाइट कैसे दिखता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और आप यहां पर देख सकते हो मेरा जो वेबसाइट है कुछ इस तरह का, ये डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है जो कि हमने अभी बनाया है। अभी इसमें हमें चेंजेस बहुत सारे करने हैं, तो आप यहां पर देख सकते हो सिंपली जो वेबसाइट होगा इस तरह का आपका वेबसाइट होता है। तो आपके सामने यहाँ पर दो आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, एक है व्हाट्सएप का आइकॉन और एक है मैप का आइकॉन। तो अभी जो आपने मैप सेट किया था, अपना लोकेशन जो सेट किया था वो ये है, और अगर कोई यहाँ पर WhatsApp पर क्लिक करता है तो वो सीधा आपको मैसेज कर सकता है। तो यहाँ पर आपका जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह का है, तो हमें इसे कस्टमाइज करना होगा। तो हम चलते हैं अपने उस एप्लीकेशन पर। तो आप यहाँ पर से अपने वेबसाइट को एडिट कर सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो एड बिजनेस डिटेल, इस पर क्लिक कर दीजिए। और करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बिजनेस लोगो, तो यहाँ पर से आपके बिजनेस का आपको लोगो लगाना है, आप जो भी लोगो लगाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर से बताने के लिए कोई भी एक पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर से लोगो सेट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो बिजनेस डिस्क्रिप्शन, तो आपको यहाँ पर से अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देना है, आपका बिजनेस क्या है, किस बारे में है, जो भी आप अपने बिजनेस के बारे में लिखना चाहते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो मैं वीडियो लंबी ना हो इसीलिए बस थोड़ा सा कुछ आपको लिख के दिखा देता हूँ। आप अपने हिसाब से अपने बिजनेस को डिस्क्राइब कीजिए, वहाँ पर अच्छे से आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आपके बिजनेस की कैटेगरी है, अगर आप चाहो तो वहाँ पर से आप अपने बिजनेस की कैटेगरी चेंज कर सकते हो। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो GST नंबर, अगर आपके पास कोई GST नंबर है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। और यहाँ पर नीचे देख सकते हो आप ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, तो आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, कितने साल से ये चल रहा है, वो अगर आप कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हो SEO कीवर्ड्स, यानी कि आपका वेबसाइट के SEO कीवर्ड्स यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। मतलब आपका जो भी बिजनेस है, आप जिस जो भी वेबसाइट बना रहे हो वो किससे रिलेटेड है, क्या सर्च करने पर आपका वेबसाइट सर्च में आना चाहिए, आपके वेबसाइट पर क्या है जिसको आप SEO के ज़रिए से सर्च इंजन में लाना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से कीवर्ड्स देने हैं। तो मैं यहाँ पर से देता हूँ, मेरे वेबसाइट पर तो मिलेंगी ब्लॉगिंग के टिप्स, YouTube का चैनल है, तो चलिए मैं यहाँ पर से कुछ भी लिख देता हूँ, ब्लॉगिंग टिप्स, हाउ टू ब्लॉग, व्हाट इज ब्लॉगिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से आप यहाँ पर SEO कीवर्ड्स दे सकते हो। तो SEO कीवर्ड्स अच्छे से टाइप कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसे सेव कर देना है। और उसके बाद जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट टू योर वेबसाइट, तो आप यहाँ पर से अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट नाउ, तो मैं यहाँ पर से पोस्ट नाउ क्लिक करके पोस्ट कर सकता हूँ। और नीचे आप देख सकते हो पोस्ट फोटोज़, तो पहले हम पोस्ट फोटोज़ पर देखते हैं। चलिए मैं पोस्ट फोटो पर क्लिक करके कुछ फ़ोटोज़ को अपलोड करता हूँ।
तो मेरे पास कोई अच्छी फ़ोटो थी नहीं, तो मैंने एक कॉट वाली फ़ोटो को सेलेक्ट किया है यहाँ पर। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो टाइटल, तो आपको उस इमेज से रिलेटेड टाइटल देना है। आई मीन जिस भी चीज़ की आप फ़ोटो दे रहे हो उसका यहाँ पर आपको टाइटल देना है। आई मीन आपको टाइटल में वही देना है क्योंकि ये SEO में मैटर करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। सो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी फ़ोटो है उससे रिलेटेड दें। उसके बाद में सर्च शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो आप यहाँ पर भी कीवर्ड्स को यूज़ कीजिए। आई मीन सर्च में आपकी पोस्ट आए, आपकी फ़ोटो आए, इस तरह के कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। मैं तो बस वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं बस आपको जल्दी में बस यही टाइप करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से सोच समझ कर आपके SEO कीवर्ड्स को आपको देना है। तो चलिए एक बार हम फिर से उस एप्लीकेशन पर चलते हैं। चलकर मैं आपको कुछ और कुछ और थोड़े बहुत पोस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट किस तरह से दिखता है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूँगा, थोड़े पोस्ट करूँगा, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, जब आप यहाँ पर फोटो अपलोड करने जा रहे हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो अपलोड YouTube वीडियो। तो आप इस पर क्लिक करके आप अपने YouTube की वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो YouTube URL। तो एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाने के लिए मैं अपनी वीडियो का कोई भी एक URL यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये मैंने URL को पेस्ट कर दिया है, और पेस्ट कर देने के बाद मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दिया, टाइटल भी कुछ दे दिया, SEO में भी कुछ लिख दिया, और उसके बाद सबमिट। तो इस तरह से आप अपने YouTube का, अगर चैनल है तो चैनल का भी आप वेबसाइट बना सकते हो। अपने सारे चैनल के वीडियोस को आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, लिंक दे सकते हो। तो अब चलते हैं, चलकर एक बार हम विजिट साइट करके अपने साइट को देख लेते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो चलिए विजिट साइट। तो जैसे ही मैं साइट पे आया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा साइट कुछ इस तरह का लग रहा है। और हाँ, मैंने यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं किया, मैंने फ़ोटो पोस्ट किए हैं, आर्टिकल वाला पोस्ट नहीं किया है। तो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो मीडिया। तो मीडिया में सबसे पहले जो आया है वो हमारी YouTube की वीडियो आई है, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे मैंने जो भी पोस्ट किए थे फोटोज़ वो आए हैं। तो चलिए मैं अपने YouTube वाली वीडियो पर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दो ऑप्शंस आए हैं, एक बोल रहा है प्ले और एक बोल रहा है रिडायरेक्ट अपने YouTube के चैनल पर। तो चलिए मैं प्ले करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैं प्ले किया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना प्रोफेशनल तरीके से ये आपकी वीडियो आ रही है, बहुत ही प्रोफेशनल वे में आपकी वीडियो यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब आपका जो वेबसाइट है वो बहुत ही प्रोफेशनल बन रहा है। तो चलिए बैक चलते हैं और हम यहाँ पर क्या चेंजेस कर सकते हैं वो अब देखते हैं। तो यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हो, फोटो पोस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। तो आप यहाँ पर से अपना प्रोडक्ट कोई ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, या कोई सर्विस अगर ऐड करना चाहते हो तो आप सर्विस भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर से आप कस्टम पेजेस बना सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट पेज, पेज के ऊपर क्लिक करके आप अपने वेबसाइट के पेजेस बना सकते हो। और गाइज मैं तो आपको मेन बात बताना ही भूल गया, चलते हैं हम एक बार विजिट साइट पर और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो आपका वेबसाइट कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ये जो थीम है वो कुछ इस तरह की है। तो अगर आप इस थीम बदलना चाहते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे थीम्स ऑलरेडी मिल जाते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर 3 lines पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्पलेट्स, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने कई सारे डिज़ाइंस आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर से आप कोई भी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी तरह का डिज़ाइन आप अपने वेबसाइट का बना सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे डिज़ाइंस है। तो चलिए इनमें से कोई एक मैं जल्दी से सेलेक्ट कर लेता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, आप बोर ना हो जाओ इसलिए ये वाले को हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर से अप्लाई पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही अप्लाई पे मैंने क्लिक किया, ये जो थीम है वो अप्लाई हो चुकी है सक्सेसफुली। तो विजिट साइट पर क्लिक करके मैं एक बार अपने साइट को विजिट कर लेता हूँ। तो विजिट साइट, और आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो साइट है वो बिल्कुल ही अलग हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का मेरा वेबसाइट जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है, काफ़ी प्रोफेशनल वेबसाइट यहाँ पर नज़र आ रहा है।
तो चलिए चलते हैं एक और थीम को ट्राई करके देखते हैं टेम्पलेट को। आपको बताने के लिए मैं बस ये सब कर रहा हूँ और वीडियो लंबी हो रही है। सो गाइस जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करना है, तो चलिए कोई भी एक टेम्पलेट को सेलेक्ट करके देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो वेबसाइट है, देखिए कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पर से आप वेबसाइट इजीली बना सकते हो, इतने सारे डिज़ाइंस में बना सकते हो। ये जो आपका यूआरएल है कुछ इस तरह का आ रहा है, stsmartyt.website.co.in। अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो इन फ्यूचर इसका जो प्रीमियम पैक है वो बाई करके आप अपना कस्टम डोमेन आप यहां पर से लगा सकते हो, और इसकी जो होस्टिंग है वो अनलिमिटेड होस्टिंग आपको यहां पर मिलती है। सो अगर आप बिगिनर हो, अगर आप ट्राई करना चाहते हो ये सारी चीज़ें, तो इससे अच्छा आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा एक अपना वेबसाइट बनाकर शुरू करने के लिए। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को ट्राई करना चाहते हो तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर से जाके इसे इजीली इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हो और काफ़ी कमाल का वेबसाइट आप अपने लिए बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।